तो जैसा कि आपको ए दिया गया है, 2 माइनस 3 माइनस 4 और 7, और आपको प्रूफ करना है 2A इनवर्स इक्वल्स टू 9I माइनस A। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, करता ही होगा, लेकिन चेक करना तो बनता है। तो ए का डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस 3 एंड माइनस 4 और 7। दैट मीन्स लीडिंग डायगनल का प्रोडक्ट 2 इंटू 7, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डायगनल का प्रोडक्ट -4 और -3। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 14, और ये 12, प्लस का 12 तो माइनस हो जाएगा, तो दैट बिकम 2। अब क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। और इनवर्स के लिए आप लोग इसको हम अब एडजॉइंट निकालें, माइनर निकालें, को फैक्टर निकालें, एडजॉइंट निकालें, कर सकते हैं। या दूसरा रास्ता है कि आप स्टैंडर्ड तरीका होता है, डायरेक्ट आप लिख दो, है ना। कैसे लिखेंगे हम लोग, अब वो दोनों एक्सेप्टेबल है, एनसीईआरटी में दोनों ही दिया गया है। तो हम जानते हैं कि फॉर ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, जो ए इनवर्स होता है वो क्या होता है, लीडिंग डायगनल को आप इंटरचेंज कर लेते हो, डी यहाँ आता है, ए यहाँ आता है, और ऑफ डायगनल के साइन चेंज कर लेते हो, माइनस बी और माइनस सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये ए इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आप 2x2 के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना, ये एक्सेप्टेबल है। और छोटा क्वेश्चन है तो हम लोग डायरेक्ट ही लगाएंगे, हम लोग माइनर को फैक्टर और ये सब निकालने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपके लिए, आपके लिए ए इनवर्स हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 दिया गया है या निकाल के रखा है आपने, और डायगनल के इंटरचेंज करिए तो यहाँ 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके साइन चेंज करिए तो निगेटिव दोनों थे, पॉजिटिव हो जाएंगे अब 3 और 4, तो दैट इज़ द ए इनवर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमें प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड उठाते हैं, 9I माइनस A। तो हम लोग यहाँ पे उठाते हैं, ठीक है, आप नीचे फॉलो करिएगा, 9 RHS लिख लेते हैं, RHS आपका है 9I माइनस A। अब I क्या है आपका, I तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका तो ऑर्डर तो पता ही नहीं है, 1x1 है, 2x2 है, 3x3 है, 4x4 है, ये कैसे पता किया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि A के साथ ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो जिसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया ये उसी का ऑर्डर होगा। तो A का ऑर्डर क्या है, A आपका 2x2 है, इसका मतलब I क्या हो जाएगा, I2 होगा, ये आपको खुद गेस करना होता है ना, आपको कोई बताने नहीं आएगा। तो 9 टाइम्स I2 का मतलब क्या हो गया आपका, 1001, और आपका माइनस ए, ए तो आपके पास है ही है, 2 माइनस 3 और क्या है आपका, -4 और 7 है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो इट बिकम 9 0 0 और 9 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, -2 -3 -4 और 7 हो गया। नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप क्या कर लो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 9 माइनस 2 इट बिकम 7, 0 माइनस -3 तो +3 हो जाएगा, 0 माइनस -4 +4 हो जाएगा, ठीक है। सो 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, है ना। अब ए इनवर्स देखिए, 7 3 7 3 4 2, 1/2 टाइम्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 टाइम्स A इनवर्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो दैट इज योर फाइनल आंसर।